ये ग्राम है भानपुर, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और जिस खेत में खड़ा हूँ, देखिए इसमें कोई अच्छी नई प्रजाति का गन्ना खड़ा है। और हमारे साथ प्रगतिशील स्मार्ट गन्ना कृषक हैं श्री आदित्य तिवारी जी, और पहले भी इनसे चर्चा करने के बहुत सारे क्लिप आप लोगों को दिखाते रहे हैं। क्योंकि ये गन्ना आज 2 मई है, 3 मई है जी, और इतना बड़ा हो गया है, तो पूछ लेता हूँ कि आखिर ये कौन सी गन्ना प्रजाति है और इतना बड़ा कैसे हो गया कि जो मिट्टी अब चढ़ा ही देनी चाहिए, टिलरिंग पूरी हो गई है जी। तो आदित्य जी बताइए कौन सी गन्ना प्रजाति है ये? ये 17231 वैरायटी है। कौन सा 17231 है जो जनवरी 2023 में जी विभाग द्वारा संस्तुत की गई थी, और उस साल कृषक बंधु इसका एक एक गन्ना एक एक गांठ खोज रहे थे जी, कितने की भी मिल जाए, कितने की भी मिल जाए। हाँ, और देखिए ये वही वाला गन्ना है, कितना अच्छा गन्ना है, और इसी पर चर्चा करता हूँ। तो आप टहल लेते हैं। तो आदित्य जी ये बताइए, ये कब का बोया है? ये नवंबर का बोया हुआ है। बोया है या रोपा गया? नहीं, ये पौधरोपण का है। पौधरोपण? हाँ, पौधरोपित है। अच्छा, नवंबर का है, कोई डेट याद होगी? लगभग ये 15 से 20 नवंबर के बीच के आसपास का है। अच्छा, तो ये इसकी दूरी कितनी है? ये लाइन से लाइन लगभग है 3.5 फीट की दूरी, यानी 42 इंच जी। हाँ, और पौध से पौध की दूरी 1.25 फीट थी। 1.25 फीट है पौध से पौध की दूरी। इसमें कोई फसल था क्या? हाँ, 1-2 कोण में आलू था, बाकी सब में नहीं था। अच्छा, बोया था धनिया, कुछ जम नहीं पाया था। अच्छा, बाकी नहीं। हाँ, आलू था। तो जब से आपने इसकी रोपाई किया जी, तो रोपाई के समय आपने इसमें क्या क्या उर्वरक वगैरह दिया था? वही NPK जो देते हैं, लगभग एकड़ में 1.5 बोरी एकड़ की NPK। 1.5 बोरी जी। अच्छा, तो वही जड़ पे डाली है और एक कीटनाशक डाली थी। तो इसमें अब बुआई के बाद फिर क्या क्या किया अब तक? बुआई के बाद कितनी गुड़ाई की होगी, कितना पानी लगाया होगा? लगभग 4 गुड़ाई हो चुकी है। 4 गुड़ाई? हाँ। गुड़ाई कराते कैसे हैं? ये लेबर से कराते हैं। अच्छा, श्रमिक से कराते? श्रमिक से कराते हैं। नहीं, पहले इसमें 2 बार ट्रैक्टर भी चलाया ना, मिनी ट्रैक्टर हमारे पास। मिनी ट्रैक्टर? हाँ जी, उससे जुताई की, फिर 4 गुड़ाई लेबर से करी। बीच बीच में कोई उर्वरक वगैरह दिया? हाँ, पानी लगाया, फिर उर्वरक दिया हमने। पानी कितने पानी अब तक इसमें लग गए? पानी लगभग 5 पानी लग चुके हैं। 5 पानी लग गए, और हर गुड़ाई पानी के बाद उर्वरक डाला? नहीं, हर पानी के बाद नहीं डाला है। जब भी आपने उर्वरक डाला तो कौन सा उर्वरक और कितनी मात्रा में डाला नमी में? ये नमी में हमने लगभग 1 बोरी एकड़ की यूरिया और 5 किलो का एक जाइम डाला है। अच्छा, और उसका कोरा जिनका स्प्रे किया हमने, डेंचिंग की। कोरा जिनका स्प्रे कब किया? ये लगभग अभी 1 महीने पहले किया हमने। कीट तो इसमें है नहीं? हाँ, उसका असर है कि कीट नहीं लगा है। तो जब ये प्रजाति नई नई आई थी तब भी आपको थोड़ा बहुत बीज मिल गया था? हाँ, हमको लगभग 200-300 गाठे मिल गई थी। हाँ, तब से लेके अब तक क्या क्या अनुभव है इसके बारे में? प्रजाति अच्छी लग रही है। हाँ, और इसका जो ट्रिलिंग है, ट्रिलिंग भी पर्याप्त है। हाँ, ट्रिलिंग पर्याप्त है, काफी ट्रिलिंग है। देखिए इधर देखिए, एक एक अगर मूढ़ में बताओ पौधे से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है गन्ने, और लगभग लगभग इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस पर 12 है। हाँ, औसत। हाँ, लगभग 10 का आ जाएगा। ये देखिए, इसमें भी गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है इसमें। तो देखिए ये कोसा 17231 है, और इसको देखिए कितनी अच्छी ट्रिलिंग है, बहुत जबरदस्त फुटा हुआ है। तो आदित्य जी जी, अब इसमें तुरंत मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, अब ज्यादा टिलर की आवश्यकता नहीं है? नहीं, सारे टिलर बराबर है इसमें, क्योंकि देखिए गन्ने की जब पत्तियां आपस में ये भिड़ गई हैं, हाँ, मित्रता कर लें जी, गले मिल जाए, तो मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, फिर वो टिलर जो बनते हैं वो बहुत ज्यादा जिंदा नहीं रहते हैं जी। हाँ, कितना रकबा है इसका? ये लगभग 7 बीघे का है रकबा। 7 बीघे का। अब तक की आपको ये प्रजाति कैसी लगी? प्रजाति सबसे अच्छी लगी। सबसे अच्छी लगी जी, क्योंकि नई प्रजाति है तो कम से कम 3 साल लग जाते हैं एक प्रजाति को समझने में। हाँ जी, और उसको यहाँ की जो नई मिट्टी है, जो शोध केंद्रों से गन्ना आता है, वहाँ उसको एडॉप्ट करने में, अनुकूलित होने में। तो
कितना उत्पादन दे सकती है ये एकड़ में? संभवतः ये 400-500 के आसपास दे सकती है। 400-500 दे सकती है? हाँ, 400-500 दे सकती है। अब वो अनुमान लग रहा है और गन्ना ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी दे दें। आपके गन्ने के हिसाब से लग रहा है ज़्यादा निकलेगा? लग रहा है फिलहाल 500 तो हम उम्मीद करे बैठे, 500 से कम नहीं निकलना चाहिए। 500 से कम तो नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले वैरायटियां थी 600-700 निकलती थी, लेकिन अब तो छोड़ दिया है 600-238 से। खैर तो कोई तुलना नहीं हो सकती। हाँ, तो उम्मीद है 400-500 निकल आनी चाहिए। तो अगर 500 भी निकलेगा तो ठीक ही है। तो देखिए, एक अच्छी नई गन्ना प्रजाति थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और बहुत अच्छा फुटाव है इसमें, अच्छी प्रजाति है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है अन्य प्रजातियों के अपेक्षा इसमें कीट और रोग कम लगता है क्या? हाँ, कुछ कम है, अन्य प्रजातियों से कुछ कीट कम है, टॉबरों का प्रकोप। अच्छा, इस समय जो और प्रजातियां हैं सबसे ज्यादा कीट और रोग किसमें लग रहा है? 15023 और सेकंड नंबर पर 14201। 14201 टॉप बोरर की समस्या दोनों में बहुत, दोनों में। हाँ, टॉप बोरर और ये अर्ली सूट बोरर वगैरह ना लगे तो कृषक बंधुओं को कब से इस पे काम शुरू कर देना चाहिए? आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। हमारे अनुभव के हिसाब से पहली सिंचाई में ही शुरू कर देना चाहिए। पहली कब से? जैसे अब जो फरवरी का गन्ना बोया हमारा है। हाँ, या मार्च का गन्ना बोया है जी। अप्रैल में अगर हम पहला पानी लगाते हैं जी, तो कोरा दिन डंचिंग करने के बाद ही पानी लगा। फरवरी वाले गन्ने में या शरद वाले में? शरद वाले में भी फरवरी मार्च में ही लगाएं, मार्च में लगाएं। अच्छा, और जो फरवरी वाले में जब पहला पानी लगना हो तो कोहरा दिन लगा करने के बाद ही पानी। कीट तो उसी समय अटैक करेगा। हाँ, क्योंकि उसकी वहाँ पे स्टेज है जी, वहाँ पे चरण है, तो चाहे वो फरवरी का हो चाहे शरद का। हाँ, हो, लेकिन बसंत की अपेक्षा शरद में गन्ना, शरद के गन्ने में कीट और रोग कम लगते हैं क्या? अर्ली सूट बोरर तो कम से कम छूट ही जाता है। वो तो छूट ही जाता है शरद वाले में। हाँ जी, और टॉप बोरर की जो ये पहली यहाँ पे जो आपकी दूसरी फरवरी वाली मार्च वाली स्टेज मार्च वाली, तो उसको रोकना जरूरी है। बिल्कुल, मेन पर तो वही है। और उसके बाद जब ये आप कह रहे हैं कोहरा जिन डाल देंगे तो वो जून वाली भी रोक लेगा? बिल्कुल रोक लेगा, अप्रैल मई जून जून रोक लेगा। तो अच्छी गन्ना प्रजाति है, कृषक बंधु इसको देखें, अच्छा फुटाव है इसमें और स्वस्थ कल्ले बनते हैं इसमें, जो भी इसके किल्ले हैं स्वस्थ हैं। और जो टीलर बन रहे हैं एक समान ही है? हाँ, सब समान है, बराबर चल रहे हैं। बराबर चल रहे हैं, कोई छोटा बड़ा ज्यादा नहीं है। जो भी आपको दिखा रहे थे देखिए, सब में यहाँ तक ही आ गया जो ऊपर वाला है, कहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा छोटे बड़े नहीं है, जैसे 13235 में होते। हाँ, 13235 में थोड़ा छोटे बड़े टीलर होते, छोटे बड़े। तो देखिए कितना पूरा ये। अच्छा, ये जो इसमें फुटाव ज्यादा है, क्या ये जो आपने पौधरोपित किया इसकी वजह से है? हो सकता, बुआई से, और आपका पूरा अनुभव है बुआई का भी और इसका, क्या बुआई में किले ज्यादा निकलते हैं या पौधरोपण? पौधरोपण में ज्यादा निकलते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है, और जब बुआई करते हैं उसमें कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे बीच में गैपिंग हो जाती है, और इसमें डिस्टेंस मेंटेन है, लगभग पौधे खराब नहीं होते हैं, पौधा ज्यादा नहीं होता है, तो सही जगह पे उसको पहुंचना चाहिए, पौधे को वहाँ पहुंच जाता है। जो खराब गन्ना है वो पहले बार पौध में उगता ही नहीं है, उगाने तो वहीं से छटनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, तो खेत तक पहुंचा नहीं खराब, तो खराब रह ही नहीं जाता फिर। अच्छा, आप एक बार जिसमें इसमें मिट्टी चढ़ाएंगे तो उर्वरक वगैरह देंगे कुछ नाली में? हाँ, कुछ ना कुछ तो देंगे। क्या देंगे? आधी बोरी एकड़ की पोटास देंगे। पोटास? हाँ, आधी बोरी यूरिया, और एक कोई न्यूट्रिएंट के लिए, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दें कोई, या जिंक कुछ देंगे। मिट्टी एक बार में चढ़ाएंगे या दो बार में? दो बार में चढ़ाएंगे, क्योंकि समय बहुत है। हाँ, मिट्टी ये कभी एक बार में नहीं चढ़ानी चाहिए, दो बार में चढ़ाएं, नहीं तो एक बार में चढ़ा दें पूरी उसकी जड़ें कस जाती है। हाँ, नहीं, एक बार में दो बार जो है समय तो भी फिर बहुत वो है। एरेशन वगैरह बहुत अच्छा नहीं रहता है, और अगर कहीं भारी मिट्टी है तो वहाँ का और भी नुकसान होता है, क्योंकि अभी मई शुरुआत ही है। और देखिए इसमें टिलर, इसमें एक बार टिलर गिन लेता जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसमें 18 है देखिए टिलर। ये तो एक जो पौधा है इन्होंने लगाया था उसे 18 टिलर है यहाँ पे, और किसी में 12 है, किसी में 8 है, किसी में। अच्छी गन्ना प्रजाति है, अभी जब और बड़ी हो जाएगी तो इसको समय समय पे आपको फिर दिखाया जाएगा। तो ये कुल मिला के अच्छी गन्ना प्रजाति? हाँ, अच्छी गन्ना प्रजाति लग रही है। तो अभी जब ये और मिट्टी चढ़ाएंगे और बंधाई वगैरह करेंगे तो समय समय पे आपसे पूछते रहेंगे, अच्छी गन्ना प्रजाति वो दिख भी रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा गन्ना दिखाया आपने।